हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। सो आज की सुबह सुबह की शुरुआत हुई अनाया के साथ। सबसे पहले आज अनाया उठी 7 बजे। हाय बोलो, हेलो, गुड मॉर्निंग बोल दो बेटा, गुड मॉर्निंग। सो हम सारे उठ चुके हैं, अभी बज रहे हैं 8:30 एंड आशीष का मैंने लंच पैक कर दिया है। सो यहाँ है फ्रूट्स जो कि मैं आशीष के लिए अभी पैक करूँगी फॉर लंच। एंड ये देखो, अनाया को कुछ भी मिल जाए ना, ये इससे खेलने लग जाती है। सो ये फ्रूट्स है, अभी मैं आशीष के लिए पैक करूँगी एंड आशीष ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं। चलो मैं जल्दी से पैक कर देती हूँ, अदरवाइज लेट हो जाएगा, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, सुबह होते अनाया का तो ये चल गया बंदर मामा, एंड शी इज सुपर एक्साइटेड, बहुत खुश हो जाती है देखकर। सो गाइस, आज है रोज डे, सो मेरी तरफ से सबको हैप्पी रोज डे, हैप्पी रोज डे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हो गया, हैप्पी रोज डे बोल दिया मैंने। मैं आपको बोल रही हूँ हैप्पी रोज डे। ओके, यूट्यूब। सो गाइस, अभी आशीष जा रहे हैं ऑफिस, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो गई, आजकल उनकी मीटिंग्स चल रही है। सो अभी वो जाएंगे, फिर अनार में मस्ती करेंगे, पूरे दिन भर मस्ती करेंगे अनाया में। एंड मुझे वीडियो शूट्स करनी है जो मैं हमेशा करती हूँ, डेली का मेरा रूटीन चल रहा है। अभी वैलेंटाइन के लिए मुझे मेकअप वीडियोज़ बनानी है, सो मैं डेली बेसिस पे बना रही हूँ। हाँ, मैंने नहीं देखा, नहीं फिर भी देखना होता है इसको, जब बिठा के देख रहे हैं, नहीं इसको मेरे ऊपर आना होता है बार बार। सो गाइज, मिलते हैं थोड़ी। सो गाइज अभी बज रहे हैं 12:30 एंड अब जाके अनाया सोई है, अब सोई है तो अब मैं कुछ काम करूँगी। ये पूरे दिन भर इतनी चार्ज रहती है, सोती नहीं है बिल्कुल भी, इसको मुझे ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है। तो मैं एक इस टाइम पे इसको सुलाती हूँ 12:30 करीब, एक मैं इसको इवनिंग के टाइम पे सुलाती हूँ। तो कभी कभार ये इवनिंग में मस्ती कर रही होती है तो फिर मैं बोलती हूँ चल छोड़ कोई बात नहीं, क्योंकि फिर ये जब थक जाती है ना तो रात को खुद ही टाइम से सो जाती है। बट इसको ज़बरदस्ती रात को भी इसका बस चले तो सोए ना, कब भी ना सोए, बट ये है कि इसको थोड़ा सा सुलाना पड़ता है कि यार सो जा। तो गाइस देखो, अब ये सो गया बच्चा मेरा और अब ये उठेगा थोड़ी देर में, जैसे ही मैं वीडियो बना रही होंगी ना तो ये उठ जाएगा। चलो मैं इसको जल्दी से सुला देती हूँ और उसके बाद फिर करेंगे हम अपना काम घर का। आप देखो, यहाँ अनाया सो गई है एंड आज मैं अनाया को यहीं पे सुलाऊंगी, बिकॉज मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि अंदर अनाया कभी एकदम से उठ के गिर ना जाए, मेरा ध्यान ना रहे। तो अनाया यहीं पे सुला दिया मैंने इसको, नीचे ब्लैंकेट बिछा दिया गर्म वाला एंड ये थोड़ी देर यहाँ सोती रहेगी आराम से। गाइस, यहाँ मैंने अपना वीडियो शूट कर लिया एंड अभी मुझे बनाना है लंच, बिकॉज अनाया भी सो रही है तो मुझे अपने लिए अनाया के लिए लंच बनाना है। एंड ये जो मैंने मेकअप किया वो टेडी डे के लिए मेकअप किया, सो ये वीडियो आपको कल नहीं परसों मिलेगी। एंड मेरी जो भी वीडियोज़ होती है मैं मॉर्निंग में उसे अपलोड कर देती हूँ 12 बजे तक 11 बजे तक, एक व्लॉग आता है, एक मेकअप की वीडियो आती है, दोनों मैं अपलोड कर लेती हूँ एंड उसके बाद ही मैं अपना शूट करती हूँ। सो जिसने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी, पहले आप जाके मेरी वीडियोज़ चेक करो, अगर आपको अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हो, नहीं लगती तो कोई बात नहीं। सो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप जाके चेक करिए एंड मिलते हैं दोबारा से। लग रहा है शैतान उठने ही वाला है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, देख लूँ एक बार कहीं उधर उठा हुआ तो नहीं है। नहीं, अभी तो सो रहा है बट उठने वाला ही। सो गाइस, ये देखो हमारा लिटिल मलिंगा उठ चुका है, नींद में हमारा मलिंगा। गिट्टू, ओ गिच्ची, उठ गया ऐसे ऊं कल्ला है, आज बहुत देर तक सो रखा था बेटू गोदी। यहाँ पे अनाया उठ चुकी है एंड हम अनाया को खिलाएंगे फ्रूट, अनार और शेक, वो फ्रूट्स पसंद है, खा लेती है वो फ्रूट्स भी। अभी उसमें कुछ भी नहीं अनाया, अभी मम्मा देगी ना। चलो मैं जल्दी से इसे खिला देती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। सो मैंने अनाया को ना अभी एप्पल डाल के दिया है, खा ले खा ले खा ले, लो खाओ इसको, भूल गए ना,
भूल गए ना? नहीं भूले, नहीं भूले। जल्दी से खा लो, खा लो जल्दी से, दिखा दो सबको आप कैसे खाते हो। खा लो बेटा, लो खाओ उसको, दे भी नहीं रही मेरे को। खाओ, खा ले बच्चा, आज तो खा क्यों नहीं रहा, इसको खाओ। देखो देखो, गिर गया वो। यहाँ पे ना ऑरेंज के छिलके रखे थे, मेरे ख्याल इसने ना ये मुंह में डाल दिया, इसलिए इसका मुंह अजीब सा लग रहा, खट्टा खट्टा। खा लो। चलो गाइस, तब तक ये खा रही है, मैं इसके लिए अनार भी छील देती हूँ, तब उसको भी डाल के दूंगी उसमें। वो गाइस अब देखो, मैंने इसे दे रखा है, इतनी शैतानियाँ कर रही है ना। खा लो उसको, खा लो उसको, जल्दी जल्दी खा लो, फिर ऑल भी खाएंगे, ऑल भी खाएंगे। इसको शैतानियाँ करनी है, इसको याद कर रहा है कोई, लग रहा है पापा याद कर रहे हैं आज। जल्दी चलो, फिर घूमी घूमी चलेंगे, पापा के लिए रोज डे लाएगा ना, रोज लाएगा ना पापा के लिए, पापा के लिए रोज नहीं लाएगा, हैप्पी रोज डे नहीं बोलना पापा को। गाइस अभी हमारा बन चुका है लंच। आपने क्या खाना है, क्या खाओगे? सो आज मैंने बनाई है साबूदाने की खिचड़ी, एंड अभी हम खाएंगे। अनाया को मैं इसमें से आलू आलू खिलाऊंगी, एंड साबूदाना भी खा लेती है वैसे, वो दोनों खिलाऊंगी। अनाया इधर आओ, उसने ना प्लेट देख लिया, उसी के पास जा रही है। तो गाइस यहाँ मैं अनाया को खिला रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, एंड इधर उधर भाग रही है। ये लो अनाया बेटा, लो आ जाओ, चलो फिर घूमे घूमे चलेंगे, खाओगे ना, खाओगे ना। मम्मा खिला रही है आपको, उसी में से खिला रही है। नहीं खा रहे, लो घूमते घूमते खाइए। लो अनाया, लो आ जाओ आ जाओ। मुंह क्यों बना रही है, अच्छा नहीं लग रहा। इसमें से आप मटर भी खा लो, लो 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 लो। सो गाइस मैं इसको खिला देती हूँ पहले, फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर में, है ना, बाय कल दुबई, बाय कल दुबई। सो गाइस ये है अनाया, एंड ये मिरर में खुद को देख रही है, एंड इसे लग रहा है ये दूसरा बच्चा है, उसको बुला रही है। चलो उधर जाएंगे, इधर नहीं खेलेंगे, उधर खेलेंगे। सो फिलहाल मैंने अनाया को रेडी कर दिया है, अभी हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा? हम ऐसे घूमने घूमने जाएंगे, पापा के लिए रोज भी तो लाना है ना बेटा। सो हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में, यहाँ अनाया को मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया खेलने के लिए। ओली वहीं जाना है क्या बेटा? वहां नहीं जाते यार, वहां नहीं जाएंगे। अनाया बहुत गुस्सा करने लग गई, नहीं जाएंगे बेटा वहां, देख रहे हो? अच्छा जा जा, वहीं जाना है। खुश हो रही है यहां पे। अभी ठीक है,
एक मोटा हाथी घूमने गया, नहीं गया, गया तो था। एक मोटा हाथी, एक मोटा हाथी एक मोटा हाथी तितली उड़ी, तितली उड़ी। वो देखो आंटी, वो देखो, नमस्ते करो आंटी को। सो गाइज, मैं रेडी हूँ जाने के लिए। मुझे आशीष के लिए रोज़ लेने जाना है, एंड अनाया भी रेडी है। अनाया रेडी हो आप? बताओ, बोलो। पापा के लिए रोज़ लोगे ना? आज रोज़ डे है ना? यस यस, कर दिया अनाया ने। यस, चलें चलें चलें, चलो चलते हैं। सो गाइज, अभी थोड़ा सा शाम हो रही है, एंड हम दोनों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे बेटा, बता दो, कहाँ जा रहे हो? पापा के लिए रोज़ लेने जा रहे हो? हाथ नीचे करते हैं। सो गाइस, पहुँचते हैं, पहले ले लेते हैं जल्दी से, क्योंकि मैं अनाया को उठा के बाहर आती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। अनाया को तो मज़ा आता है, एक्सप्लोर करती रहती है, पेड़ पौधे सब एक्सप्लोर कर रही है, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई है। इसका तो खुशी का ठिकाना नहीं है। शी इज टू हैप्पी। ऊपर देख रही है, आसमान सब देख रहा है। चलो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये बुके मैंने ले लिया अनाया की तरफ से आशीष के लिए। चलो अब हम उन्हें। सो गाइस, मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी ये अनाया की तरफ से आपके लिए हैप्पी रोज़ डे बोलो पापा को। अब मेरा रोज़ कहाँ है? नहीं, वो वाला फूल वाला रोज। आपने कुछ अच्छा रिएक्ट नहीं करा, मेरा रोज आपको अच्छा नहीं लगा। मैं सुबह से प्लान कर रही थी, बेसिकली ये मेरी तरफ से नहीं, अनाया की तरफ से आपके लिए है ना। अनाया, आप सुबह से बोल रहे थे ना पापा को रोज दूंगी। ये खुश हो गई बाहर आते ही। सो गाइज, अभी हम आए हैं कहाँ, यहाँ कहाँ कहाँ, बिकॉज अनाया का ये फर्स्ट रोज़ डे है, तो हमने सोचा अनाया का मुँह मीठा कराया जाए। सो चलते हैं जल्दी से बीकानेर वाला, देखेंगे वहाँ क्या क्या खाने के लिए मिलेगा। वाओ, अनाया गिर जाओगे बेटा। फिर खानी स्टार्ट हो गई इसकी। देखो, एक मोटा हाथी कहाँ गया? एक मोटा हाथी बस देख लिया उसने, ये क्या है? नहीं, उसको नहीं छेड़ते बेटा। पापा के लिए अनाया डोज लेकर आई है ना बेटा। अनाया, अनाया बता तो दो, बताती भी नहीं। गाइस, हमने यहाँ पे लिया दही भल्ला, पता नहीं दही भल्ला या भल्ला पापड़ी, हम दोनों तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भल्ला पापड़ी क्या होता है, मतलब डिफरेंस क्या होता है भल्ले पापड़ी में और दही भल्ले में। आई थिंक भल्ले पापड़ी में भल्ला और पापड़ी रहता है, और दही भल्ले में दही और भल्ला रहता है, तो ये दही भल्ला है, बट हमने बोला था भल्ला पापड़ी। चलो कोई नहीं, इसी को खा लेंगे हम। यहाँ बैठे हुए हैं, आई जस्ट रीच होम, बहुत थक गए, एंड अभी हम बनाएंगे चाय, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। पहले मैं अपने शूज़ निकाल लूँ। सो अनाया, ये नया आया अभी, पुराना नहीं हुआ।
सो गाइज मैंने ना ये टीवी का कवर लिया बिकॉज टीवी हमारी कम यूज़ होती है और अभी मौसम ऐसा आने वाला है जिसमें काफ़ी धूल वूल चलती है, तो मैंने सोचा थोड़ी टीवी प्रोटेक्ट रहेगी। इसको देखो, इसको मैंने अभी रोका, इसको मत छेड़। अब मैं इसको टीवी को कवर करके रखा करूँगी। वैसे नया यूज़ करती है टीवी, हम तो सारे यूज़ करते भी नहीं हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक, कैसे हैं आप लोग। अनाया आज फिर से सो चुकी है, उसका रूटीन ही बन गया है 8:30 बजे सोने का, और फिर वो 10 बजे के आसपास वो उठ जाती है। तो होपफुली आज ना उठे, हम कोशिश करेंगे उसको ना उठना पड़े। नेहा मैडम यहाँ धो रही हैं कपड़े, वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोते हैं, अनाया के कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, तो वॉशिंग मशीन में इतना। तुम ये भी दिखा रहे हो मुझे कपड़े धोते हुए? हाँ। अनाया के कपड़े हाथ से धोने पड़ते, इतने गंदे हो जाते, कभी वो खाती है कभी मिट्टी में जाती है। अरे छोटे कपड़े बच्चों के तो हाथ से धोने चाहिए, वॉशिंग मशीन में आप एक साइज तक कपड़े ठीक धोते हैं, बट छोटे कपड़े जैसे सॉक्स बच्चों के बहुत छोटे कपड़े, ये सब हाथ से धोने ज्यादा अच्छे हैं, है ना, तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है। तो गाइस के बाद में बनाऊंगी डिनर, अनाया सो चुकी है, वो कल भी इसी टाइम पे सोई थी जब खाना खा रहे थे, वो तब उठ गई थी। इसके बाद मैं बनाऊंगी, आज डिनर बनाना नहीं, आज हमें इनविटेशन है ऊपर निलेश के यहां से, मैं तो मना कर रही हूं। कोई बात नहीं, ऐसी सबको पड़ोसी मिलने चाहिए। चलो गाइस बाय, स्टे ट्यून्ड। कपड़े धो के आई हूँ एंड मैंने अभी ना जूडियो वाली नेल पेंट लगाई अपने लेफ्ट हैंड में, एंड सीधे हाथ में तो मैं लगा ही नहीं पाती, इसलिए मैंने इन्हें बोला कि मेरे सीधे हाथ में पहले की जो नेल पेंट है उसे रिमूव करके लगा दो। सो अभी उसी को लगा रही हूँ, लेफ्ट में तो लगा ली, काफ़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा ब्राइट कलर है स्काई ब्लू, तो मैंने इन्हें बोला कि मेरे हाथ पर लगा दो। और दिन तो टाइम नहीं मिलता, अनाया जागी रहती तो कुछ नहीं करने देती बिकॉज नेल पेंट सूखने में भी टाइम लगता है। यहाँ देखो बहुत डेडिकेशन के साथ नेल पेंट लग रही है, मुझे ध्यान से लगाना पड़ेगा नहीं तो मैं खराब कर दूंगी। आपने साइड साइड में निकाल दी है वो, मैं कपड़े साफ करूँ। कपड़े से साफ करोगे? से अभी आशीष मुझे बोल रहा है कि मेरे नेल्स तुम्हारे नेल्स से अच्छे हैं। हाँ मेरे नेल्स अच्छे हैं। कहाँ से अच्छे हैं दिखाना? ये इसका साइज देखो, इसका साइज, मेरे नेल का साइज, तुम्हारे बहुत छोटे हैं। छोटे तो मेरा हाथ छोटा है ना, आपका हाथ बड़ा है, आप लड़के हो मैं लड़की हूँ। Oh my God, मैंने सोचा ये उसमें डिप करो। मैं सबसे पहले दिवाकर जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे, और इसका थोड़ा नेल में डालो। सो गाइस यहाँ मेरी नेल पेंट लग रही है, क्या देखा, कैसी स्थिति थी आपके, आप जैसे पेंट नहीं करते वैसे ही आशीष यहाँ पे मेरे नेल्स को पेंट करने में लगे हैं। पेंट ही तो है, नेल भी देख पेंट ही है। साइड साइड से भी लगा, बट ठीक है आशीष मेरा बहुत सारा काम कर लेते हैं, वरना मेरे राइट हैंड में तो बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ पे अभी डेंजर ही है, हमें कल रात में ये कहा गया था, अब ये सूख भी जाएगा ना, नया सूर्य, वरना तो सुखाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। सो गाइस मिलते हैं, अभी डिनर करेंगे उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस अभी बज रहे हैं 10 एंड अभी हमने डिनर कर लिया एंड आज थोड़ा सा लेट हो गए। अनाया को हमने पहले ही सुला दिया था, आज वो सो गई, वो आज फिर कल की तरह सो गई, आज वो फिर कल की तरह सो गई। एंड मैंने अनाया के लिए बनाया ग्राइप वाटर, मैं उसे पिलाऊंगी क्योंकि दिन में 3 बार पिलाना होता है, वो टाइम से पहले सो गई, तो अब मैं उसको पिलाऊंगी एंड मैं उसको दूध पिला दूंगी ताकि वो रात को उठे ना, उसको भूख ना लगे। एंड देखो मलिंगा कैसे स्टाइल में सो रखा है, लिटिल मलिंगा। मैं इसकी रात को चोटी खोल देती हूँ ना, तो इसके बाल बिल्कुल मलिंगा जैसे हो जाते हैं। सो गाइज व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।